गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइज, जैसे कि टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ। हाँ जी, आज मैं जा रही हूँ माता शीतला मंदिर में। और आपको पता है माता शीतला मंदिर कहाँ है? माता शीतला मंदिर मतलब गुड़गांव में है। तो आज मैं गुड़गांव की माता शीतला, ये देखिए 8 बज गई है और मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है। वैसे तो मैंने सोचा था मैं नवरात्रियों में जाऊंगी, बट आपको पता है नवरात्रियों में माता शीतला पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, दर्शन नहीं कर पाते हम। तो आज है दशहरा और आज मैं जा रही हूँ माता शीतला मंदिर में। तो चलो मैं आज आप लोगों को माता शीतला माता मंदिर के बारे में पूरा डिटेल देने जा रही हूँ और दिखाती हूँ कि कैसा है गुड़गांव का शीतला माता मंदिर। तो दोस्तों, घर से हम निकल गए हैं शीतला माता मंदिर के लिए। कितना दूर है शीतला माता मंदिर यहाँ से? 3-4 किलोमीटर हमारे घर से शीतला माता मंदिर 4 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी हम निकल गए हैं घर से। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं शीतला माता मंदिर के बाहर से। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बाहर दिख रहा होगा जो भी पूजा सामग्री मिलती है वो यहीं बाहर पे मिलती है। तो पूजा सामग्री हम पहले लेंगे और उसके बाद हम अंदर जाएंगे। भीड़ मुझे लगा नहीं होगी, बट आज भी थोड़ी बहुत भीड़ है। थोड़ी बहुत नहीं, है ही भीड़, आगे आपको दिख जाएगा। तो चलो चलते हैं अंदर। और ये है, आप देखिए, ये है इधर मंदिर है, ये पार्क, यहाँ अंदर पार्किंग है। अगर आप लोग कभी भी आते हो यहाँ पे तो आपको इजिली यहाँ पर पार्किंग करने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सारी शॉप, ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे माता को जो चढ़ाया जाता है चढ़ावा वो मिलती हैं। तो पहले हम अपनी गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। पैसे लगते हैं यहाँ पे? फ्री पार्किंग है, पैसे का झोल नहीं है। तो पहले पार्क करके आते हैं गाड़ी, उसके बाद चलते हैं अंदर मंदिर में। और मुझे ये नहीं पता कि अंदर वो मुझे वीडियोस बनाने देंगे या नहीं बनाने देंगे। मे बी मुझे लगता है कि बनाने देंगे, बट माता की वीडियो नहीं बनाने देते हैं वो, कहीं भी किसी भी मंदिर में नहीं बनाने देते हैं। तो देखते हैं, अगर वो लोग मना करेंगे तो जितना हो पाएगा शूट करके दिखा दूंगी आपको, अदरवाइज़ तो पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि सारा सब कुछ आपको दिखाऊंगी। तो चलो अभी चलते हैं अंदर गाड़ी पार्क करके। ये है क्या? अच्छा, तो दोस्तों ये है मंदिर का गेट। यहाँ से हमें थोड़ा सा पैदल, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ही पैदल चलना है। पैदल चल के हम माता जी के पास जा रहे हैं। तो चलो माता शीतला का ये मंदिर हिंदुओं का एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। 9 शक्ति पीठों में से ये एक शक्ति पीठ है। कहा जाता है कि ये मंदिर 500 वर्ष पुराना है और पूरी दुनिया में भक्तों की आस्था और विश्वास का एक प्रमुख केंद्र इसे माना गया है। नवरात्रि में इस मंदिर में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और कहा जाता है जो भी भक्तजन यहाँ पे आते हैं उनकी सारी मुरादें पूरी होती है। शीतला माता को रोगों से बचाने वाली देवी, मसानी, चेचक की माता आदि नामों से भी बुलाते हैं। चेचक रोग से संक्रमित कई रोगी यहाँ आते हैं, तब उनके हाथों में आटा, चावल, नारियल, गुड़ आदि माता के नाम देने से रोगी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है तथा अपने रोग से मुक्ति पा लेता है। शीतला माता को स्वच्छता की देवी भी उनके भक्त बुलाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शीतला माता का इतिहास क्या था।
दोस्तों कहा जाता है कि इस कथा का संबंध महाभारत का सहस्त्र और अहस्त्र विधि से परागत और धुरंधर महावीर द्रोणाचार्य अत्यंत निर्धन थे। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य यही रहा करते थे। कौरवों और पांडवों को अस्त्र सहस्त्र की विद्या उन्होंने इसी स्थान पर दी थी तथा उनके अनेक शिष्यों को भी अस्त्र सहस्त्र का ज्ञान उन्होंने यही दिया था। जब महाभारत काल में द्रोणाचार्य वीर्य गति को प्राप्त हुए तब उनकी पत्नी कृपी ने भी चिता पर ही सती होने का फैसला ले लिया। गांव के लोगों ने उनको बहुत समझाया मगर उन्होंने अपने पति की चिता के साथ ही सती होने का निर्णय ले लिया। कृपी ने सती होने से पहले सबको यह कहा था कि यदि कोई भी इस स्थान पर विनती करेगा जिस जगह मैं सती धारण कर रही हूँ वहाँ उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। तभी से लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं, अपनी मुरादें लेकर आने लगे और माता उनकी मुरादें भी पूरी। 17वीं शताब्दी में राजा भरतपुर ने गुड़गांव में माता कृपी के स्थान पर मंदिर की स्थापना करना उचित समझा तथा साथ ही 1.25 किलो सोने की मूर्ति बनवा दी। इस मूर्ति को शीतला माता का नाम दिया गया। तभी से उनके भक्त उनको शीतला माता के नाम से पुकारने लगे और उनके दर्शन करने दूर दूर से यहाँ आने लगे। यहाँ के गांव के लोगों का कहना ये भी है कि मुगल बादशाह ने शीतला माता की मूर्ति को तालाब में बहा दिया था। फिर शीतला माता ने सिंघा भगत को सपने में दर्शन देकर अपनी मूर्ति बहने की बात बताई। सिंघा माता का भक्त था, उन्होंने ही माता की मूर्ति को तालाब से निकालकर दोबारा विधि विधान के साथ मंदिर में मूर्ति स्थापित की थी। जब गांव के लोगों को इस बात की पुष्टि हुई तब से गांव वासियों ने भक्त सिंघा भगत को भी पूजना आरंभ कर दिया। इस मंदिर में श्रद्धालु जनों की बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। यहाँ पे साल में 2 बार मेले लगते हैं और इतने यहाँ पे श्रद्धालु जन आते हैं जितना अगर आप लोगों ने कुंभ में देखा होगा, कुंभ के बराबर यहाँ पे श्रद्धालु भक्तजन आए। शीतला माता मंदिर के इस विषय में एक खासियत ये भी है कि यहाँ पे नवजात शिशुओं का मुंडन संस्कार कराना अति शुभ माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे माता मंदिर का काम चला था, मैं आगे आपको नहीं दिखा पाई। आगे आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा कि मंदिर यहाँ पे किस तरीके का है, जो फ्रंट है मंदिर का किस तरीके का है, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम चल रहा था। मंदिर को यहाँ पे दोबारा बनाया जा रहा है, काफी बड़ा किया जा रहा है, तो इस वजह से मैं उधर नहीं जा पाई क्योंकि वहाँ पे बंद था, नहीं जा सकते थे वहाँ पे। तो इस वजह से हमने सीधा दर्शन किए और हम बाहर निकल गए और बाहर आते ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माता काली, शनिदेव बाबा, भैरव बाबा और भी काफ़ी सारे यहाँ पे मंदिर थे। मनसा देवी आपको मैं सारा दिखा रही हूँ इस वीडियो में, आप लोग देखिए। और यहाँ पे भी अलग अलग, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी मान्यता है कि जो भी लोग ईंटों को जोड़ जोड़ के यहाँ पे एक बड़ा सा मतलब घर बना देते हैं तो इसकी ये मान्यता होती है कि इन फ्यूचर आगे आने वाले टाइम पे उन लोगों का इतनी बड़ी मकान होगी, उनका घर होगा। तो जो भी भक्तजन यहाँ पे आते हैं तो वो लोग अपने मतलब ईंटों से उस मान्यता को फॉलो करते हैं और ईंटों को इस तरीके से जोड़ देते हैं ताकि उनका भी आगे चल के अच्छा मतलब घर बन। तो ये यहाँ की एक मान्यता है। और अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। यहाँ पे बाहर पे मंदिर है तो यहाँ आप देख सकते हैं श्रद्धालु लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हुई है।
दिखा दूंगी, यहाँ पे क्लिप लगा लूंगी जो सीता माता मंदिर कैसा था यहाँ पे। अभी काम चल रहा था इस वजह से मैं दिखा नहीं पाई, बट दर्शन हमारे हो गए हैं और मैंने आपको वीडियो दिखा दी। अब हम लोग जा रहे हैं गाइस घर के लिए, घर के लिए भी हमें बाहर जाना पड़ेगा। जैसे हमने एंट्री की थी यहाँ से हम बाहर जाए। तो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से घर की ओर। तो आज का मेरा ये वीडियो था आप सभी लोगों के लिए, जो लोग भी जानना चाहते थे गुड़गांव के बारे में। तो मेरे को सबसे बेस्ट लगा मैं सबसे पहले आपको मंदिर का दर्शन कराऊं, और इस मंदिर की बहुत सारी मान्यता है जो कि आप लोगों ने आगे वीडियो में देख ही लिया होगा। तो चलिए अभी मैं सीधा जा रही हूँ घर और मिलूंगी आपको बहुत जल्दी एक अपने नए ब्लॉग के साथ। अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ गाइस, तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।